Hit the subscribe button and click on the bell icon to stay updated with my channel. Hi, hello, namaskar, namaste, salam, walaikum, everyone. Welcome to another episode of Rahul's Aquatic Vlogs. Guys, I hope you all are doing well. In today's episode, ye jo tank बुगुडी टैंक बुगुडी सिकलेट जो यहाँ पे मैंने ट्रांसफर किया फॉर टेम्पररी पर्पसेस एंड यहाँ एक टेम्पररी सेटअप होगा फॉर अमेरिकन रेनबोज. सो ये जो रेनबो फिशेस है बहुत कलरफुल फिशेस है. सून आई एम गोना बी मेकिंग अ परमानेंट सेटअप ऑफ इट, बट ये थोड़ा सा टेम्पररी कर रहा हूँ. थोड़ा ग्रास वगैरह है इसको अरेंज करेंगे बाद में. अभी थोड़ा सा हिफाजत रहेगा. और भी रेनबो फिशेस है जो अभी इसमें रिलीज करूंगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा. Before that, guys, if you aren't subscribed to my channel, guys, hit the subscribe button over there and follow me in Facebook. Exclusive. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. These are the Bozmani rainbows, guys. Just see the size. काफी बड़ा है. If you take in reference with the hand, काफी बड़ा है. Like मैं तो कभी नहीं इतना बड़ा rainbow देखा. So soon I'm just gonna be temperature acclimatizing it करके then यहाँ पे तो fit नहीं होगा. So यही water लेके मैं वो एक बाल्टी में लेके उसको water acclimatization करूँगा, temperature acclimatization करके फिर I'm gonna be releasing there. देखते हैं कैसा लगता है. यहाँ पे direct sunlight भी आता है. So they gonna enjoy like aquatic जो plants है यहाँ पे जावा फर्न है कुछ जो थोड़ा सा हालत ख़राब है. बट यहाँ पे आपका जंगल वेल है, जंगल वेल प्लांट एंड सम एनुबियस नाना. तो ये थोड़ा सा अरेंज करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड धीरे धीरे देखते हैं इसका क्या रहता है. यहाँ पे पहले एक वुड था जो मैंने हटा दिया, एक छोटा सा वुड यहाँ पे दे दिया ताकि यू नो दे कैन स्विम अराउंड एंड थोड़ा सा अच्छा लगे. मैं फिर भी कह रहा हूँ दिस इज़ अ टेम्पररी सेटअप. बाद में आई डोंट नो लाइक आई फील लाइक यही सेटअप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके इस टैंक में यहाँ पे करूँगा एंड जियोफिगस वगैरह को आई एम गोना बी शिफ्टिंग ऑफ टू दिस प्लेस. कुछ दिन में ये गैलरी रीअरेंज होगा. आई एम यू नो लाइक वेरी एक्साइटेड एज वेल एज टेंस्ड कि कैसे क्या अरेंजमेंट चेंज करेंगे. इफ़ यू गाइज हैव एनी लाइक सजेशंस प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि क्या किया जा सकता है. चलो अभी फिलहाल ऑलमोस्ट पानी भर गया, थोड़ा सा प्लांट्स को अरेंज करते हैं एंड देन उसके बाद मछली छोड़ते हैं विच इज द बेस्ट पार्ट. अभी तक फिशेस पूरा पूरी सेटल नहीं हुआ, जस्ट फॉर वीडियो पर्पसेस थोड़ा सा मैं ये वीडियो कर रहा हूँ ताकि एंड इसके बाद लाइट वाइट बंद करके इसको थोड़ा सा सेटल होने देंगे. बट जस्ट लुक एट द कलरफुल फिशेस, सो ब्यूटीफुल, लाइक इतना अच्छा लग रहा है. यहाँ पे रोजी बार्ब है,
यहाँ पे रेनबो शार्क से छोटा छोटा, देन आपका ऑस्ट्रेलियन रेनबो सब कुछ है. सो दिस इज अ टेम्पररी सेटअप, इसीलिए ज्यादा कुछ सजाया नहीं, बिकॉज आफ्टर अ फ्यू वीक्स ओनली इसको हटाया जाएगा. इट्स गोना बी शिफ्टेड इनटू अ बिग टैंक. देखते हैं, मतलब आई टोल्ड यू लाइक आई एम होपिंग टू कीप मोर फिशेस लाइक दिस एंड शिफ्टिंग इनटू द 5 फीट टैंक एंड जियोफेगस वाला टैंक को आई विल बी रीस्केपिंग इट. सो लेट मी नो वेदर दैट्स अ गुड आइडिया और नॉट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. हमको तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यू नो मतलब आई जस्ट कांट लाइक यू नो मूव माई आईज अवे फ्रॉम दिस फिशेज अवे. छोटा है बट इतने छोटे से में मतलब कलरेशन वगैरह आ गया है. सी दैट वो मेल है, मेल में थोड़ा सा कलरेशन का भी दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे शायद विद टाइम कलरेशन आ जाएगा. बट पीछे वो रेनबोज, मतलब माई गॉड दे आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, लाइक रोजी बर्बो, इट्स सो गुड. So anyways guys, hope you have enjoyed this episode, and if you have enjoyed this episode somehow, then you know, like click the like button over there and share this video guys with your friends and family. Guys, take care, bye bye, see you, meet you in my next episode, bye bye.